कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। छोटी सी बेवफाई हो गई है मुझसे, गैर इरादी तौर पे, अब पछता रहा हूं। फिर सबर कर। सबर कैसे करूं बाबा जी, मोहब्बत करता हूं उससे, उसके बगैर रह नहीं सकता। दम कर दो तो उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती पुत्र। जा। घर वाले बीच में आ गए तो मना लूंगी। मैंने तुझे छोड़ दिया तो उड़ा दूंगी। और अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। वाह, इंसान नहीं बदलता, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, नियतें बदलती हैं, रंग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, इंसान थोड़ी को बदलते। जरूरी नहीं है सबकी नजरों में अच्छे बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है। माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, पर अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है। एक नौकरी की खातिर सैकड़ों ठोकरें खानी पड़ती हैं। कभी हर बात में ढेरों नखरे होते थे जिनके, बाहर रहकर सारी फरमाइशें खुलानी पड़ती। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी का दर्द जानता हूँ, मैं आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। सुनो, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत खराब होती है। अच्छा, कुछ रिश्तेदारों की अलग ही खास बात होती है, वक्त आने पर भले ही वो साथ देना दे, लेकिन डुबाने वाले मशवरे पूरी शिद्दत से देते हैं। गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा। महल में मलिका बनकर रहने के बजाय तुम कबीले की बेटी बन गई। आपका साथ जहां मिले वही महल है मेरे लिए। मैं सिर्फ आपके दिल की मलिका बनना चाहती हूँ अर्तुरुल, और अब ये कबीला ही मेरा घर है। वो वक्त आ सकता है जब तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर दुनिया के आखिरी कोने तक भी ले जाएं आप मुझे, तो आंखें बंद करके चलती रहूंगी मैं। पंडित जी, ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी है। हाँ, यही हम सोच रहे थे, हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक था। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। उसी तरह सुनिएगा दोस्तों। जी शकील भाई, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। उस मादरचोद के बिना अब ये जिंदगी सूनी सी लगती है, और अब उनकी बातें हमें कुछ अधूरी सी लगती हैं। अब तो इन सांसों को अपनी सांसों में जोड़ देने दे, क्योंकि ये जिंदगी मेरी अब कुछ पल। वो पूछते हैं हमसे कि कितना कसकर गले लगा सकते हो आप अपनी मोहब्बत को। वो पूछते हैं कि कितना कसकर गले लगा सकते हो आप अपनी मोहब्बत को। मैंने कहा इतना कि पसीना भी रास्ता भूल जाए।